नमस्ते कुमार साहब। नमस्ते कुमार साहब। नमस्ते, बैठिए ना। नहीं कुमार साहब, बस आप हमारे रुपए लौटा दीजिए। इस वक्त रुपया लौटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपकी रकम डूबेगी नहीं। आपकी ईमानदारी पे तो शैतान भी शक नहीं कर सकता, मगर कुमार साहब हमें रुपयों की सख्त जरूरत है। कुमार साहब, हम सबका एक सजेशन है, आपके काफी कंपनियों में शेयर्स हैं, जूनागढ़ में जमीन और जायदाद भी है आपकी, हमने तमाम पेपर्स तैयार कर लिए हैं, बस आप दस्तखत कर दीजिए। चंपक भाई, यही तो बचा हुआ है, अगर मैं इसे बेच भी दूं तो मैं आपकी रकम पूरी नहीं कर सकता। मैंने तो ये सोचा था कि इससे नया कारोबार शुरू करूं, ताकि आपकी एक पाई चुका सकूं, ये मेरा वादा रहा। मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। तो फिर हम आपको 6 महीने की मोहलत दे सकते हैं। 6 महीने का वक्त मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। मैं वादा करता हूं कि आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। तो ठीक है, गारंटी पेपर तैयार है, आप इस पे अपने भाइयों के दस्तखत करवा दीजिए। अभी इस पे साइन कर देना, तसल्ली हो जाएगी। वो तो ठीक है बड़े भैया, लेकिन इस तरह साइन करवा के आप किस किस को तसल्ली देंगे? मैं कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? नया कारोबार शुरू करना, उसमें पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है बड़े भैया। अगर वक्त पर आप कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारा क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं रवि भैया, अरे पैसे के हिसाब से ज्यादा पहले चलिए दस्तखत कर दीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक सलाह दूं बड़े भैया, एक अर्जी दिवालिया की दीजिए और छुट्टी कीजिए। ये क्या उल्टी सुल्टी बात कर रहे हैं आप? की भैया साहब जी दस्तखत मांग रहे हैं, आप सलाह दे रहे हैं, आप दस्तखत कीजिए। रहने दो कृष्णा, रहने दो, मुझे दस्तखत की जरूरत नहीं है। सेठ जी, सेठ जी क्या विक्की और रवि भैया की जगह हम दस्तखत नहीं कर सकते? नहीं कृष्णा, तुम इस काबिल नहीं। अरे साहब जी, आपने हमको इस काबिल क्यों नहीं बनाया? विक्की और रवि भैया की तरह आपने हमको पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? मैंने अच्छा किया कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया नहीं मेरे कृष्णा। वकील साहब पेन दीजिए। कुमार साहब, मैं एक मामूली सा आदमी हूं और मेरी रकम भी कोई बड़ी नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए है। जब सभी को कुछ ना कुछ दिया है तो मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा। आइए। ये आपकी सबसे मनपसंद कार है, इसे हम नहीं ले जाने देंगे। कृष्णा, जब आदमी बेकार हो जाता है ना, उसे तो उसे कार की जरूरत नहीं पड़ती, यही कहना चाहते हैं ना आप? करेक्ट। देख, चाबी दे दे सेठ जी को। जब जब सब कुछ चला गया है तो फिर ये गाड़ी रहने से क्या होगा? देर से खड़े रहकर क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं कि आसमान से जमीन पर गिरने में कितना कम वक्त लगता है। साहब जी, जलने के बाद इस मिल का जो आप हाल देख रहे हैं ना, दुख और चिंता से इंसान का इससे भी बुरा हाल हो जाता है। चलिए साहब जी, घर चलिए, घर में सब आपका खाने पे इंतजार कर रहे होंगे। आ,
मुझे भूख नहीं है कृष्णा। वाह रवि भैया वाह 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 विक्की, आप लोगों ने भगवान का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया, सूरज को पश्चिम से उगा ही दिया। वाह वाह, और कल तक तो आप लोग आधी रात तक साहब जी के लौटने का इंतजार किया करते थे ना, और आज तो क्या हुआ, रोज इंतजार करते हैं, एक दिन नहीं किया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। अरे छोड़ो नैना भाभी, किसी को इज्जत के आसमान पर बैठाने के बाद इस तरह बेइज्जती की जमीन पर गिराना अच्छी बात नहीं है। कृष्णा बहुत लंबी हो रही है जबान तुम्हारी, ये बकवास बंद करो। आज हम बोल के रहेंगे रवि भैया, आज हम बोल के रहेंगे। आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि साहब जी के आने से पहले आप लोगों ने खाना खा लिया, मगर आज हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने साहब जी को अपने ही घर में पराया बना दिया है। अरे बचपन से जवानी तक जिस पेड़ की छाया में आप लोग रहते रहे, आज वो सूखने लगा तो उसी को काट देना चाहते हो। विक्की भैया, ओ विक्की भैया, अरे उस पेड़ को पानी की जरूरत है, मौसम का इंतजार है, बस वो पेड़ एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा और एक बार फिर से आप लोग उस पेड़ की छाया में आराम से रह सकोगे। ज्यादा बकबक मत करो, जो हमारा फर्ज है हम जानते हैं। बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं आप लोग अपना फर्ज। बड़े भाई के गले में कर्ज का फंदा है और भाभी के गले में हीरो का हार है। घर में छोटी बहन कुंवारी बैठी है और भाइयों को रत्ती पर चिंता नहीं है। वाह, बहुत अच्छी तरह से फर्ज निभा रहे हैं आप लोग। अरे हमको तो शक होने लगा है कि आप लोगों के रगों में खून है या पानी। कृष्णा, दो कौड़ी का नौकर और हमारे मुंह लगता। लोगों के कुत्ते घरों में जंजीरों से बंधे रहते, लेकिन यहाँ तो खुला ही छोड़ रखा है। नैना भाभी, गलत है वो लोग, गलत है वो लोग जो कुत्तों के गले में जंजीरें बांधते हैं, क्योंकि कुत्ता जब भी भौंका है अपने मालिक के दुश्मनों पर भौंका है। अरे बांधना तो उन सौरती इंसानों को चाहिए जो वक्त बदल जाए तो अपने मालिक को काट लेते हैं। स्टूपिड, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हम ही से जबान लड़ा। छोड़ो भी, क्यों छोटे आदमी के मुंह लगते हो, चलो। नहीं कृष्णा, मुझे भूख नहीं है। एक बात कहूं साहब जी, अब आप अकेले खाना खाने की आदत डाली लीजिए। तू मेरा इतना ख्याल मत रखा कर, घर वालों की जिल्लत के बाद तेरा ये प्यार सहन नहीं जाता। कृष्णा मेरी एक बात मान, तू यहां से बहुत दूर चला जा, मेरा तो कर्तव्य है, मैंने मरती मां को वचन दिया था, इसलिए भाइयों का साथ निभा रहा हूं। देख, जब नदी में बाढ़ आती है ना, जो किनारे के पेड़ हैं वो भी डूब जाते हैं, लेकिन उन पर जो पंछी होते हैं वो उड़ जाते हैं, और उन्हें उड़ जाना चाहिए। तू भी जा। नहीं साहब जी, कृष्णा कोई पंछी नहीं है और ना ही कोई साया है जो अंधेरे में साथ छोड़ दे।